हाय एवरीवन, कैसे हम सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जो इस मौसम में, इस विंटर के मौसम में बहुत कम आने वाला है। तो वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का है वीडियो ये हाथ को लेकर के। तो हाथ जो है ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा रूखा सूखा हो जाता है। इतना हम हाउसवाइफ का काम ही इतना रहता है कि सबसे ज़्यादा रफ होता है कब, जब बर्तन आप धोते हैं या कपड़ा हाथ से धोना हुआ तो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है। तो वैसे में डेली क्या मतलब, जब भी बर्तन धोते हैं तो वो चीज़ रखे रहते हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो फिर आपको क्यों नहीं बताएं। भाई आप भी हमारे मेंबर हैं तो आपको बताना भी तो ज़रूरी है ना। तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप चीनी ले लीजिए और चीनी को पीस करके रख लीजिए। एकदम से बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रहेगा, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं तो रगड़ जाएगा एकदम हाथ। तो चीनी पीस करके एक चम्मच ले लेना है हाथ में, और इसमें नींबू निचोड़ लेना है। नींबू का रस डाल लीजिए और इसे हाथ पे मल लीजिए। और नहीं तो नींबू का जो छिलका है ना, कि नींबू का छिलका है इसमें हल्का हल्का रस भी रहता है, तो इसमें आप ये चीनी का ये इस तरह से डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिला लीजिए तो गीला हो जाएगा। फिर इसको आप हाथ पे रगड़िए इस तरह से। तो आप पूरे हाथ में इस तरह से उंगली पे ये रस निकल जाएगा और चीनी जो है मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है पूरा हाथ में उंगली में अच्छे से, ये उंगली जो है, आजकल विंटर में नया आलू भी आने लगा है मार्केट में, तो वो उसको छीलने में भी जो है हाथ काला हो जाता है और फटने लगता है। ये हकीकत है, हर घर का है ये, क्योंकि सब्जी सब लोग बनाते हैं, सब लोग खाते हैं, आलू बिना हर सब्जी में मतलब आलू रहता है, आलू से फटने लगता है। तो आप बस ये करिए, ये नींबू का छिलका ही आप रखे रहिए, नींबू मत रखिए, नींबू का छिलका जो निचोड़ करके बचता है उसे फेंकिए नहीं, इसे रखे रहिए और चीनी पीस कर रखिए, और बस आपका हाथ जो है एकदम से क्लीन रहेगा। इस तरह से रगड़ दीजिए, जब भी कोई वैसा काम कीजिए इसको आप रखे रहिए और इस तरह से हाथों में लगा लीजिए, तो आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा नींबू से। और ये चीनी जो है स्क्रब का काम करता है, वो रगड़ करके चिकना कर देता है, और नींबू जो है जो कालापन आ जाता है उसको साफ कर देता है। ये हाथ साफ करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलते हैं इसे पानी से धो लेते हैं। तो हाथ धो करके हमने पोंछ लिया है, ये देखिए सूख गए। तो इस बहुत ज़्यादा ड्राई होने से पहले आप इसमें क्रीम लगाइए। तो और कोई क्रीम नहीं, बस ये हम यूज़ करते हैं बोरोलिन। किचन में मेरा चीनी पिसा हुआ, नींबू और ये बोरोलिन हमेशा रखा रहता है। कोई सब्जी काटें, प्याज काटें, आलू काटें या फिर बर्तन धोएं, बस हाथ धो करके ये नींबू से और ये क्रीम लगा लेते हैं। तो ये सब जो है मेरे किचन में मौजूद रहता है। तो इसमें से थोड़ा सा लीजिए और पूरा ड्राई होने से पहले जो है इसमें लगा लीजिए। आपका हाथ कभी ठंडी के मौसम में फटा फटा नहीं दिखेगा और बहुत ही सॉफ्ट हाथ रहेगा बहुत ज़्यादा। आप जब इसे यूज़ करेंगे ना तो आपको यकीन होगा कि सच में जो है बहुत फ़ायदे का है। तो फ्रेंड्स, हम जो भी यूज़ करते हैं, हम खुद यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा देखते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये वाला जो है टिप आप ज़रूर अपने घर पे आजमाइए, लगा कर देखिए। और ये हैंड का केयर जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, हैंड केयर इस तरह से करके देखिए डेली, तो बहुत फ़ायदा करेगा और आपका हाथ बिल्कुल फटा नहीं रहेगा, कभी फटा नहीं रहेगा। घर का काम तो करना ही है, लेकिन अपने हाथ पैर को भी तो केयर करना है ना। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।